अब हम शुरू करते हैं निनहाइड्रिन टेस्ट अमीनो एसिड्स के लिए। यहाँ हमने 4 टेस्ट ट्यूब ले लिया है। पहले टेस्ट ट्यूब में है सिर्फ वाटर, सेकेंड में है वाटर विथ ग्राम फ्लोर, थर्ड में हमने ले लिया है मिल्क एंड फोर्थ में है हमारा एलानिन। अब हम इसमें 4 से 5 ड्रॉप निनहाइड्रिन सॉल्यूशन डालते हैं। हमारे पास निनहाइड्रिन सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आप चाहें तो इसे लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चारों ही सैंपल्स में हम निनहाइड्रिन सॉल्यूशन डाल देते हैं। 4 से 5 ड्रॉप्स हमको डालना है। इसे डालने के बाद हम थोड़ी देर इसे हीटिंग के लिए रख देते हैं। हीटिंग के लिए जब हम रखेंगे तो आपको अलग अलग कलर फॉर्मेशन दिखेगा, एक प्रेसिपिटेट की तरह, जो कंफर्म करेगा कि अमीनो एसिड प्रेजेंट है कि नहीं है। देखिए थोड़ी देर इसे हीटिंग करने पर ये वाटर है, इसमें कोई कलर जनरेट नहीं हुआ है। ये हमारा बेसन वाला है, इसमें प्रोटीन था, आपको ये ब्लू कलर की लेयर अलग से दिख रही है, जो प्रोटीन के प्रेजेंस, अमीनो एसिड के प्रेजेंस को कंफर्म कर रहा है। थर्ड नंबर आपका मिल्क, मिल्क में भी प्रोटीन एंड होता है, प्रोटीन के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये प्रेजेंस एकदम क्लियर हो रहा है कि मिल्क में भी अमीनो एसिड है। एंड द फोर्थ वन हमने ट्रू अमीनो एसिड लिया था, ये कलर आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा निनहाइड्रिन टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।